सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल पे एंट्रेंस वर्ल्ड। सो जैसा कि मैंने आप लोगों के डाउट देखे, ठीक है, जो हॉस्टल वाली वीडियो थी उस पे जितने भी कमेंट हैं मैं उनका रिप्लाई जो है कल तक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार रिप्लाई नहीं किया। और आज जो मैंने डाउट देखे हैं तो उनमें मोस्टली कुछ बच्चों के मैंने देखे कि सर अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और मॉपअप में वैकेंट सीट कब जारी होंगी, क्योंकि अभी इन्होंने वैकेंट सीट के बारे में कुछ नहीं बताया है, और मॉपअप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है बीए बीएससी बीकॉम और आपके जो बीए एलएलबी के कोर्सेज़ हैं और बीए एग्रीकल्चर भी, ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन पे जैसे एक स्टूडेंट का मैंने मैसेज देखा कि सर अगर मेरी जो ट्रेन है वो तो 13 तक आएगी ही नहीं या लेट आएगी तब क्या होगा, तो उस दिन अगर नहीं पहुंचे तो क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। अगर आपको स्पीड मेरी स्लो लग रही हो तो आप जो है 1.5x या 2x पे देख सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई बहुत बड़ा डाउट रहता है तो आप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर मेरा नंबर दिया होगा, वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रीच वगैरह बढ़ती रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट में आपको मैं बताऊं कि क्या होता है कि जैसे अगर आपका टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट या इनमें से अगर कुछ नहीं होता है तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना पड़ता है, वो आपको बीएचयू में ही मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करा देंगे तो, और हमारे भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं अपलोड करवा दूँगा, ठीक है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म को जब आप भरेंगे तो उसमें एक डेट दी हुई होगी, चाहे वो 31 अक्टूबर हो और या 31 नवंबर। पिछली बार जो थी वो 30 नवंबर थी, सॉरी, ठीक है, 30 नवंबर थी पिछली बार की डेट। तो उस अंडरटेकिंग को आप फॉर्म को फिल करके आप आराम से जो है उनसे समय ले सकते हैं, और समय आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। फिर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है प्रेजेंट टाइम में उनको आप सबमिट करा सकते हैं। जैसे कि यार जैसे कुछ स्टूडेंट की क्या होती है फ़ीस वगैरह नहीं, क्लास ट्वेल्थ में सबमिट होती है, तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो लफड़ा करते हैं टीसी वगैरह देने में, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कुछ हो सकता है, कुछ स्टूडेंट उस मुसीबत में हो। तो अगर टीसी देखो ले आओगे तो यार अच्छी बात है, सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो सब अच्छे से हो जाएगा, बट अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाए। क्योंकि देखो प्रोसेस क्या कहती है कि जब आपने एक बार फ़ीस कर दी तो इस पूरी यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन आपका कैंसिल करने वाला नहीं होता है। कंडीशन ये है कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत ना पाए जाएं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो ये इनके पास पूरा मौका है, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है और उसका अंडरटेकिंग आप फिल करके एक समय ले लेते हैं तो आप बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एकदम सही दिखा देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। एडमिशन कैंसिल तभी होता है जब आपके पास कोई फेक डॉक्यूमेंट पाया जाता है किसी तरह का, कोई अगर आप कोटा लगा रहे हैं स्पोर्ट कोटा वगैरह और वो फर्जी पाया जाता है तब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आया था तो एक लड़की का यही सीन हुआ था कि उसका कोई डॉक्यूमेंट जो था वो नहीं मतलब था उसके पास, तो सर ने खुद ये बात बोली कि सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनके पेरेंट्स से बोला कि जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन अब कैंसिल आप ही कर सकते हो, या तो आप विड्रॉ मारोगे या कैंसिल एडमिशन मारोगे, ठीक है। विड्रॉ का ऑप्शन मैं बता दूं आपको, 7 के पहले ही आप कर लेना जिनको भी करना है, उसके बाद वो ऑप्शन रहने नहीं वाला है, ठीक है ना। और अभी मैंने देखा यार बीए में तो विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं यार, आप एक बार कोर्स बता दो आपका कौन सा है कि किस कोर्स में विड्रॉ का ऑप्शन चला गया है, क्योंकि बीए आर्ट्स में मैंने खुद देखा विड्रॉ का ऑप्शन उसमें तो शो हो रहा है, फिर अब मैं कैसे आपको समझूं कि आप कह रहे हो कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक बार कोर्स ज़रूर लिख देना, फिर मैं उसमें भी चेक करूंगा क्या मैक्सिमम बच्चों में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एडमिशन कैंसिल सिर्फ आप ही कर सकते हो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो बीएचयू में काउंटर नंबर हैं जिसको अपन ऑफिस बोलते हैं, तो वहाँ पर जाके आप बाद में भी वेरिफिकेशन वगैरह
करवा सकते हैं या डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं, वहीं से सारी प्रक्रिया होती है। अरे बहुत सारे बच्चों ने बाद में भी कराया है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो डेट बस इसलिए देते हैं कि यार उस दिन मैक्सिमम बच्चों का हो जाए, ठीक है, उस दिन बस ओपनली वो काम हो रहा होता है। बाद में फिर वो काउंटर नंबर पर वही सर बैठते हैं और सबका वेरिफिकेशन वगैरह करते रहते हैं, वो प्रक्रिया चलती रहती है। एक स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर वेरिफिकेशन पे अगर लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो भाई लेट हो जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि एक लंबी से लाइन लगती है और जो बच्चे आते रहते हैं वो पीछे लगते रहते हैं, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। 13 और 14 दो डेट दी हैं, सबको अलग अलग डेट दी जाएंगी और 2 दिन में बुलाया जाएगा और फिर उसके 7 दिन बाद मोस्टली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ट्राई करिए, ज़्यादा लेट ना करें, बाकी आपका एडमिशन वगैरह नहीं कैंसिल होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, घबराएं ना, ठीक है। और बाकी वेरिफिकेशन वाले दिन जितने भी लोग आ रहे हैं मैं तो उनको वहाँ मिलने वाला ही हूँ, आपको कोई भी समस्या वगैरह होती है फोटोकॉपी वगैरह या जो भी आप मुझसे बताएंगे, मैं आपको फोटोकॉपी से लेके जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेरे बैच के काफ़ी स्टूडेंट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। अब मॉपअप में जैसे कि इनका मॉपअप जो है 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 12 तारीख को अलॉटमेंट है, ठीक है। तो सब 12 को स्पॉट राउंड 1 ही अभी इन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आपने अगर देखा होगा तो उसमें एक न्यूज़ निकली थी कि सर 550 के आसपास सीटें खाली हैं, तो एक स्टूडेंट का कमेंट ये था कि आप जो है एक बार हर फैकल्टी में पता कीजिए कितनी वैकेंट सीट हैं और मतलब सेंट्रल ऑफिस में। तो देखो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये अपनी प्रक्रिया को ऐसा लीक नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात ये किसी को बताते ही नहीं है। तो ओवरऑल इन्होंने 550 बताई है न्यूज़ वालों ने, जो भी जिस भी मीडिया ने हिंदुस्तान पे ये न्यूज़ आई थी तो उन्होंने ये चीज़ पब्लिश की कि 550 हैं टोटल सीट मिला के, लगभग 8000 तक अलॉटमेंट हुए और फिर जो है अभी कुछ बच्चों ने विड्रॉ वगैरह लिया, तो टोटल कुल मिला के जो सीटें बन रही हैं 550 बन रही हैं हर फैकल्टी की मिला के। अब उसमें आप मोस्टली मान लो यार बीए आर्ट्स के कोर्सेज होंगे, ठीक है, जो मेरा अनुमान कहता है, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि बीए आर्ट्स के मैक्सिमम कोर्सेज होंगे। फिर जो है आपका नेक्स्ट आप कह सकते हो कि बीएससी के कुछ कोर्सेज होंगे, वो भी बीएससी आपके बायो के, और कुछ सीटें मैथ की होंगी। एग्रीकल्चर के बहुत कम चांसेस हैं कोई सीट मिले, ठीक है, एग्रीकल्चर के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। और आपका जैसे कि और भी जो बी वॉक वगैरह जो भी कोर्सेज हैं, हो सकता हो इनमें एक एक दो दो खाली हों, ठीक है। तो सबसे कम चांस देखो बीए एलएलबी की कोई भी सीट नहीं खाली होगी, मैं आपको बता देता हूँ। बीकॉम में बहुत रेयर होगा कोई सीट खाली हो, ठीक है, बीकॉम, क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड रहती है, कोई सीट छोड़ता उड़ता है नहीं, ठीक है, रेयर ही कुछ 2-4 सीटें छूट गई तो छूट गई। और इनमें भी जैसे मॉपअप में कट ऑफ हो सकता है 10 नंबर तक आपको ड्रॉप देखने को मिल जाए, तो जिनका भी 10 नंबर के आसपास है, जैसे कि एफएमसी में बायो की जो भी कट ऑफ लास्ट गई है 424 आई थिंक गई है, ठीक है, तो 424 वाले ये सोच सकते हैं कि भैया 415 के ऊपर अगर नंबर हैं तो आपका हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। ज्योग्राफी की गई थी 424, अर्थ साइंस की 432 गई है, तो इस तरह से आप देख लो आपका कौन सा कोर्स है। बॉटनी ऑटनी तो नहीं इतने में मिलने वाले, ठीक है, बॉटनी थोड़ा सा हो सकता है, बॉटनी 430 चला जाएगा, 440 या 450 के आसपास, ठीक है। तो जो भी आपके को जो भी कट ऑफ देखो गई है उससे 15 नंबर या 10 नंबर घटने वाला है, 10 नंबर मानिए यार, 15 तो मुझे लग नहीं रहा है इस बार, जो मैंने ट्रेंड देखा कि दूसरे तीसरे चौथे राउंड में सेम ही कट ऑफ रही, तो उसे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मोस्टली बच्चों ने इस बार एकदम ठान लिया है एडमिशन लेने को और वो बिल्कुल एक्साइटेड हैं बीएचयू में एंट्री लेने के लिए। और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपना डीयू तो स्टार्ट ही हो गया, ठीक है, तो डीयू जिनको जाना था वो जा चुके हैं और जिनको अब विड्रॉ लेना था वो भी मुझे लगता है ले चुके हैं, ठीक है। जिस तरीके से सीटें 550 खाली हैं तो उसके हिसाब से यही देखा जाएगा कि बी कॉम की बहुत कम सीटें होंगी, बीए की ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, आपकी संस्कृत ऑनर्स हो गए, हिंदी ऑनर्स हो गए, इन सब में आपको कुछ कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। जितनी भी कट ऑफ गई है बीए में हो सकता है 15 नंबर कम हो जाए, 10 नंबर कम हो जाएगी, ठीक है, और एमएमवी में भी कुछ सीटें आपको बीएससी की देखने को मिल सकती हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि मॉपअप में यार सेकेंड राउंड अगर आया मॉपअप का, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा क्या मतलब वही फिर
हो सकता हूँ अभी इस नंबर तक कम हो जाएँ, लेकिन नेक्स्ट राउंड आने के मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। स्पॉट राउंड टू जैसे देखो, टू नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यार जिनके अच्छे मार्क्स थे उनका ही नहीं हुआ है। मेन चार राउंड के बाद गेम ख़त्म कर दिया, पांचवा आया नहीं, पांचवे में सिर्फ अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड में भी मोस्टली बच्चों का हुआ नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अब स्पॉट राउंड वन में सारी सीटें फिल हो जाएंगी, फिर स्पॉट वालों को भी बुला लिया जाएगा जैसे ही इनका एडमिशन वगैरह हो जाता है। अब मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये कब अलॉट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास जल्दी ही आने वाला है, वेरिफिकेशन के पहले ही आ जाएगा। और जो मेल है वो आपका 4 से 5 दिन पहले आपको आ जाएगा कि आपको 13 को आना है कि 15 को आना है, क्योंकि आज ही मैंने बीए ऑनर्स का एक चेक किया तो उसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी उसका एडमिशन लेटर वगैरह नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके लिए, 2-3 स्टूडेंट हैं मेरे पास, साइंस का भी है, आर्ट्स का भी, तो सबके मैं चेक करता रहता हूँ। और हॉस्टल वगैरह भी जैसे क्या है, हॉस्टल वगैरह भी अलॉट हो जाएंगे जैसे ही आपका ये वेरिफिकेशन होता है, उसके 8 से 10 दिनों के बीच में हॉस्टल का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसको किसको अलॉट होगा। हॉस्टल वाले पे मैं सबको रिप्लाई करूँगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट करो, मुझे टाइम थोड़ा सा मिल पाए। ठीक है, अब और क्लासेस जैसे हैं, क्लासेस आपकी 20 से मोस्टली चांसेस हैं स्टार्ट हो जाएंगी, और क्लासेस का आपका टाइम टेबल वगैरह भी, उस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी और आपके मोस्टली डाउट मैंने इसमें कवर किए हैं, ऐसे ही मैं डाउट आपके लेता रहूँगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन चैनल पर मिलती रहें। ठीक है।